गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चिल करते रहें, चैनल बनने में चैनल सब्सक्राइब कर दें। और गाइस आप लोगों से एक क्वेश्चन है भाई, मैं सॉरी आपको काट रहा हूं बीच में, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। उधर गर्मी कैसी है? इधर तो मैं कहता हूँ हर जगह से पानी बह रहा है, आपको मैं बता नहीं सकता किस किस जगह से पानी बह रहा है। तो आप समझदार हो तो ये लाजमी बताना गर्मी उसका। गर्मी यार इंडिया पाकिस्तान में तुम्हें पता है सेम सिचुएशन। सही बात है इधर इंडिया में भी और पाकिस्तान में सेम सिचुएशन है गर्मी का। तो आप शुरू करते हैं भाई आगे का। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूँ मुबशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है यार। आप में से काफी ज्यादा लोग हमें कह रहे थे कि यार प्लीज आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वीडियो ज्यादा लाया करें, मतलब इंडिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको काफी ज्यादा मिलती है। और ये सिर्फ आपको नहीं मिलती, हमें भी न्यू चीजें मिल जाती है देखने को, हमें भी पता चलता है इंडिया के बारे में, पता लगता है कि इंडिया कितना ग्रो कर चुका है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बूस्ट मार चुका है। ये सारी चीजें हमें भी देखकर अच्छा लगता है और हमें भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंडिया किस मुकाम पर आज पहुंच चुका है। बिल्कुल। तो आज वही उसी तरह की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इंडिया द राइजिंग सुपर पावर 2022, कैन यू बिलीव दिस इज इंडिया, इंडिया इन 2022। 2022 का ताजा बिल्कुल लेकर आया है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इन्फॉर्मेशन। तो बिना किसी देरी के देखते हैं ओरिजिनल वीडियो को, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ऑसम किस्म की ये वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं भाई। बिल्कुल मैं एक ही सांस में बोल गया। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पीपी 11.5 ट्रिलियन, फिफ्थ लार्जेस्ट हो गई है, ये सिक्स पे चला गया था इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, लैंड आर्मी ना, फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, हाँ मिलिट्री वाइज। बिल्कुल हर तरह से और डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम मतलब फोर्थ मोस्ट पावरफुल डिफेंस सिस्टम है इंडिया का अपना। A country with most vegetarian peoples, भाई। Second largest smartphone producer, मतलब दूसरे नंबर पे इंडिया में बनते हैं सबसे ज्यादा स्मार्टफोन। Fourth largest car producer in the world, मतलब चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा कार इंडिया में बनती है। अभी तो तीसरे पे भी आने वाला है। Second largest steel producer, तो पहले पे चाइना होगा मे भी, हाँ शायद। Second मतलब largest steel है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिजली इंडिया में होती है। लार्जेस्ट स्पाइस, हाँ यार ये तो मसाले को पता है। बिल्कुल दुनिया का सबसे ज्यादा मसाले उत्पादक। सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, वाह यार। बॉलीवुड थर्ड बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, सेकंड नहीं थी पहले, ये सेकंड थी आई थिंक। शाहरुख खान मोस्ट रिच एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल। मुकेश अंबानी दी मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, नेटवर्थ नहीं अभी अडानी हो गए हैं। सुंदर पिचाई दी नहीं, फिर कंट्री विद मैनी फेस्टिवल्स, वाकई में यार फेस्टिवल तो बहुत, फेस्टिवल्स मैं कहता हूँ इंडिया से ज्यादा कहीं भी नहीं होते। अ कंट्री विद मैनी फेस्टिवल, हर तरह का फेस्टिवल है, मैं कहता हूँ हर तीन चार दिन बाद कोई ना कोई त्यौहार। वन ई स्पोर्ट मार्केट है, 3 बिलियन की भाई मार्केट हो चुकी है कहीं में ई स्पोर्ट की, और एक टाइम पे इंडिया में होता ही नहीं था। आईपीएल बिकम वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैच रेवेन्यू, मतलब 108 करोड़ अभी पिछले दिन हुआ, हाँ सेकंड रिच आईपीएल को क्रॉस कर गई है ना। और यंगेस्ट कंट्री एवरेज एज 29 इयर्स, हाँ एवरेज एज है 29 साल, मतलब 23 से 29 साल के दरमियान बहुत ज्यादा है। द स्टेडियम विद सीटिंग कैपेसिटी 1.32 लाख एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, 1.5 लाख के करीब बंदा बैठता है। 600 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, 800 है, हाँ अभी 800 है, ये वाला थोड़ा कम था। मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्ट $2 बिलियन के एंटीले, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पीपी 11.5 ट्रिलियन, अ कंट्री विद मैनी रिलीजन, वाकई बहुत ज्यादा रिलीजन है, हर बहुत डाइवर्स इंडिया यार, इसमें कोई शक नहीं है। ताजमहल लिस्ट 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल अजूबों में से एक सातवां ताजमहल है। The Department of Telecommunication has confirmed that 5G service in launch, मतलब 2022 में 5G आ रहा है। Under construction in the world, largest number of projects, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में under construction projects हैं। Future cities of India, Dholera, 2040 तक ही complete होगी, बहुत बड़ा project है। Gift city, ये 2025 तक हो जाएगी। अमरावती city, ये कौन सी है यार?
ये हमने नहीं देखी यार, मुझे नहीं पता इसके बारे में सच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमरावती का वाकई हमने नहीं देखा भाई, वाकई में। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। मतलब अमरावती कहाँ पे है भाई, देखो बढ़ रही है ना, इससे पता चल गया। अभी हमें नहीं पता था अमरावती, अब हमें नहीं पता था 5G इसी साल आने वाला है, इसी साल आने वाला। अब हमें नहीं पता था इंडिया मतलब जो मोबाइल के मामले में वो सेकंड नंबर, मैं थर्ड या फोर्थ समझ रहा था, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे। और इंटरनेट यूजर्स मेरे ख्याल में 800-900 मिलियन हो गए, ये भाई से मतलब शायद थोड़ी मतलब चूक हो गई हो, तो इतने ही थे भाई यहाँ जितना। हाँ, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी, बाकी IPL सेकंड नंबर पे दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी लीग हो गई है, और एक मैच जिसकी कॉस्ट 108 करोड़ है, और अमेरिका की जो है वो पहले नंबर पे उसकी 130। IPL पे फाइनल में हमसे एक चीज रह गई थी, क्या IPL के फाइनल में दुनिया की सबसे बड़ी शर्ट बताई गई थी, तुम्हें पता है? हाँ, रिकॉर्ड कायम हुआ था वो, बताइए सारी इतनी बड़ी। अबे यार हमसे कैसे वो रह गई है, एक मुझे बाद में उसका साथ बाद में पता चला। यार भाई दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना शर्ट इंडिया में उस दिन स्टेडियम में उन्होंने की थी भाई। आपने भी चंगी अभी जल्दी दी है, चंगी तो मैं क्या करूँ यार, मुझे बाद में पता चला। मैंने कहा मैं और यार मतलब ये चीजें जो है अभी, ये तो इंडिया ने शुरुआत ली और अभी से फास्ट सबसे ज्यादा रनिंग प्रोजेक्ट जो है ना इंडिया में चल रहा है। मतलब चाइना भी है लेकिन उस पर भी होते हैं, लेकिन चाइना से भी ज्यादा इंडिया में रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें कोई शक नहीं भाई, ढोलेरा सिटी 2040 लेकिन कैसी फ्यूचरिस्टिक है देखा तुमने, बड़ी मेगा सिटी है ये यार, तुमने देखा कितनी फ्यूचरिस्टिक, वो मतलब उसका सिर्फ एक मॉडल सा दिखा रहा है, कितना कमाल का था। और भाई ये स्मार्ट सिटीज जो इंडिया में बन रही है ना, ये अमरावती हमने फर्स्ट टाइम सुना यार, मतलब इसका भी देखेंगे गाइस, हम वीडियोस पर भी लाएंगे। गिफ्ट सिटी का तो पता है यार, लेकिन वो बनने लगे 2025 में। हां सारा कुछ अच्छा, डिफेंस सिस्टम मतलब सबसे फोर्थ नंबर पे स्ट्रांगेस्ट डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास। बिल्कुल, अभी तो इंडिया के पास इतना कुछ आ गया यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। सच में मैं आपको एक बात बताऊं, हमसे कभी कभी दोस्त बहस करते हैं कि इंडिया का ये है वो है, ये नहीं है, हम उनका मुंह बंद कराते हैं, फिगर ऐसा बताते हैं, हम उनको एक दो वीडियो निकाल के देते हैं और बीच में वो नहीं एक्सप्लेन भी करते हैं, गूगल भी करके दिखाते हैं, कहते हैं गूगल करो चेक करो, उनका माइंड घूम जाता है क्योंकि मीडिया मीडिया वो चीज नहीं बताता। वाकई में मीडिया गलत चीज हमेशा करता है। हमारी कुछ वीडियो कमेंट पर पाकिस्तानी भी कुछ कभी कभी आते हैं, ज्यादा तो इंडियन है इसमें, लेकिन कुछ पाकिस्तानी आते हैं वो भी हैरान हो रहे होते हैं भाई इंडिया सच में भाई इतना आगे और हमें मीडिया और जब हम उनको बताते हैं एग्जैक्ट फिगर उनको बताते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं हमें तो इस तरह पता ही नहीं होता। सच में भाई मीडिया बद वो करता है यार, हमें सच में एक बात बताऊं, हमें खुशी होती है अगर हमारी वजह से अगर 30-40-50 लोगों में नफरत खत्म हो जाए, उनका माइंड ठीक हो जाए, उनको पता चल जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के कौन से हिस्से से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना, बताइए। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।